जवाद हजरत उमर को कह रहा है उमर ने का जलाया और हजरत उस्मान गनी रहा के बारे में माजअल्ला वो इस ऐसे ऐस इफ्तरा घट रहा है कि उनके घर में जो माल था वो बैतुलमाल का माल था तो इधारों को नोट करना चाहिए कि वो मरकज कि जिसमें खिलाफते राशिदा के खिलाफ राशिदीन के खिलाफ इस हद तक प्रापेघंडा किया जाता है तो इन लोगों को क्यों खुली छुट्टी दी गई है ये कौन सी वहादत है यानी ये कुराने में मजीद तो कहते हैं रस्सी पूरी पकड़ो और पकड़ते वक्त वहां खड़े होकर पकड़ो जहां सब ने पकड़ी है इस आयत को पढ़कर जो लोग वारदात करते हैं वो वारदातें मदूदी ने कें वो वारदातें परवेज़ ने कें वो वारदातें फिर तहरकदरी ने की। अब ताज़ा जो वारदातियाँ बना है वो ये जवाद नकवी है रवाफिज़ का जिसने ये चुंगी अमर सद्दू के अंदर हुस्का नामी एक दरस बनाया हुआ यानी वो नाम भी बड़ा मुकदस है मगर वहाँ एक फ्राड नगर तैयार किया हुआ कि जिसके अंदर वो जो हमारी तहरीक है जिसमें हमने रिफज़ को नंगा किया है कि इनकी ये भी तोहन है ये भी गुस्साखी है ये भी ए, इनकी ख़ामी है और यहाँ से भी ये कुरान से टकरा रहे हैं हदीस से टकरा रहे हैं इसके मुकाबले में ये ज़ाहिर करना चाहता है कि हम तो सब का अदब करते हैं हम तो सब का एहतराम करते हैं और हमारे नज़दीक जो है जो मुक़दसा अहल सुन्नत कि तोहन करे हम तो उसको शीय ही नहीं मानते और इस तरह की बातें कर करके जिस तरह के ईरान के अंदर उन्होंने बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला जो तरीका था उसी के मुताबिक यहाँ भी कि ऊपर से यही कहा जाए कि हम वहादत वाले हैं मुसलमान एक हैं हम इतिहाद चाहते हैं और अंदर क्या है अंदर जो है वो तोहन उलहत भी है तोहन रिसालत भी है तोहन अहल बैत भी है ऱी अल्लाह तो हीने सहाबा रजी अल्लाहम भी है तो इस तरह का एक धंधा जो है का नामी मरक़ में जो जवाद नकवी का है वो चलाया जा रहा है और फिर उसमें यानी कुछ लोगों की सारी उनकी काबिलियत यही है कि उन्हें कोई अपने हाँ चाय पर बुला ले उन्हें कोई नाश्ता करा दे उन्हें मजमे में कोई अच्छे स्टेज पे दावत दे दे उनकी कुल कीमत इतनी है तो इस तरह हमारे मसल के लोग यानी हमारे कि वो शुमार पहले हम में से ही होते थे उन्हें भी वहां दावत दी जाती है बाकी भी मसाले के लोग आते हैं और फिर वहां वहां जो कुछ वो करते हैं यह है ना कि झूठ छुप नहीं सकता मुनाफ्त छुप नहीं सकती दावत और उनका जाहिर करते हैं, नारा ये है वहादत का इत्याद का लेकिन जब वहां इकट्ठे होते हैं तो फिर एक नई तोह करते हैं एक नया इंतिशार लाते हैं एक नया फसाद बर्पा करते हैं और फिर भी उसको ऊपर से वाहदत का नाम देते हैं इतिहाद का नाम देते हैं हमारे मसल के जो लोग हैं बहुत से इस तरह के कच्चे वो भी जाके वहां पर बैठते हैं यहाँ तक कि दाता दरबार रहा का खतीब इस तरह के लोग ये भी जाते हैं और फिर वहां जब तोहिने होती हैं तो बराबर के ये भी शरीक होते हैं अब वहाँ खुद जो दाई है उस जगह का जवाद नकवी अगरच वो खुद रवाफज में भी मुतनाज़ा है बहुत ज्यादा लेकिन हमने तो ये देखना है कि हमारे मसले के खिलाफ जो वो वारदात कर रहा है वो कितनी घनौनी वारदात है उसकी और जिसको कुछ हमारे लोग समझते हैं कि वो तो अदब करता है सिबा का और वो तो अहले सुन्नत को अच्छा समझता है या जो उसके पास जाके दावतें खाते हैं वो उसकी तारीफ़ें करते हैं कोई उसको मुजद कह रहा है कोई उसको कुछ कह रहा है ये नज़ीर गाज़ी जैसे लोग इन लोगों की कुल इतनी कीमत है कि इन्हें कोई रास्ते पर बुला ले या इनको कोई छोटे से प्रोग्राम में चंद्रफ बोलने के लिए बुला ले तो ये इसी पर अपनी कुल कीमत वसूल कर लेते अब उसने हजरत सिद्दीक अकबर रजियाल्लाह तला की तरफ मसला फदक में जुल्म की नस्बत की सितम की नस्बत की कि पाक रजी अल्लाह तला पर जुल्म किया गया, सितम किया गया। अब ऊपर से यह कहे कि हम तो मुकदसात सुन्नत का एहतराम करते हैं तो यह हजार बार कहता रहे इसका क्या फायदा है कि जो बंदा सयदना सिद्दी के अकबर रजियाल्लाह तला अनहो की तरफ जुल्म की निस्बत कर रहा है वो फिर कुरान किस मुंह से मानेगा फिर खिलाफते राशदा को राशदा कैसे कहेगा जब हजरत सिद्दी के अकबर रजियाल्लाह तला जालिम है तो उनका जमा करदा कुरान कैसे सही होगा और जब वो जालिम है तो उनके हाथ पर बैत करने वाले मौला अली रजियाल्लाजिला वो फिर जुल्म के ताले से कैसे बच सकेंगे कि उन्होंने बैठ करके किसी जालिम को अपने ऊपर जो है वो मज़िलासल किया ये वो शख्स जो कि दावेदार है वहादत का तो ये ये आप उसका ये क्लिप सुन सकते इसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है यानी कोई उस पर इतह नहीं ये जो बीबी के साथ हुआ जुल्म हुआ सितम हुआ बीबी के साथ जुल्म हुआ सितम हुआ बीबी के साथ फदत बीबी का मुसलमान हक था जो रसूल्ला ने अता किया था वो ले लिया गया ये बीबी के साथ हुआ ये रवैया बीबी का नहीं था ये दूसरों ने किया बीबी से हक छीन लिया ये बीबी का अमल ये आपने देखा फिर हजरत सईदना उमर रजियाल्लाह तला के बारे में जो बहुत बड़ा झूठ घड़ा हुआ है रवाफिज ने माजल्ला सुम्मा माजल्ला सेदा सेदा फातिमा रजियला के घर का दरवाजा जलाना माजल्ला और फिर जलते दरवाज़े को धक्का देना और दरवाजे का सईदा पाक रदी अल्लाह तह पे गिर जाना और फिर उनके बतन मुबारक में किसी बच्चे का होना जो विलादत के करीब हो रो उसका फिर शहीद हो जाना यानी एक नहीं ओमा ये बड़े 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 भारी झूठ घड़ के उन्होंने जो हजरत अमीर उम्मीद जो कायनात के आदिल तरीन शख्स हैं अबू बकर सिद्दीक के बाद इनका दर्जा है उस हस्ती के लिए ये सब कुछ इस जवाद नकवी ने अपनी जुबान से ये सारे इल्जाम उन पर लगाए हैं इतनी बड़ी तोहिन की है और ये भी आप उसी की जुबान से ये सुन सकते अबुल हसन को बाहर भेजो जिनाबे सैयदा दरवाजे के पीछे आई तुम कौन हो आज जो जानशीनी रसूल व सहाबत रसूल की बात करते हो मन और तुम तुम कौन हो अली को भेजो बाहर सैयदा ने जवाब दिया जहरा की जिंदगी में तुम्हारे हाथ अली तक जा पहुंचे जिन्होंने लगे इस कदर दर्द से ने पूछा, मुझे, 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 मुझे दरवाजा नहीं खोलेंगे दरवाजे को आग लगा देंगे धमकी दी फिर इंतजार नहीं किया पहले से ईंधन जमा करके लाए हुए थे ईंधन जमा करके लाए हुए थे फौरन ईंधन रखा आग लगा दी दरवाजे पर आग लगी शोले उठे धुआ उठा दर जलने लगा दर जलने का भी इंतजार नहीं किया को ठोकर से गिरा दिया, दर का गिरना था पुष्ट आवाज फिले या, फिले या, फिसा, फिसा अब बाद ये फिर यानी इतना इनका हाजमा तेज है कहता है कि हम तो आले सुन्नत के का कदब कर रहे अगर कोई शिया का प्लेटफार्म इस्तेमाल करता है मैं अर्ज कर रहा हूं एक तलब इल्म की हैसियत से ये जो तोहीन करते हैं इनका से कोई नहीं है, ये। ये है नजदीक इतनी बड़ी हस्तियां हैं उन्हें जालिम कहें उन्हें सितमगर कहें उन्हें सईदा का दरवाजा जलाने वाला कहें फिर हजरत मुहसिन जिनको कुछ लोग मोहसिन पढ़ देते हैं वो तो काफी पहले ओ उनका मरहला गुजर चुका था और ये फिर वो बात उस वक़्त बताते हैं जो जब हमारे आकम का विशाल हो चुका है और उसके बाद हज़रत महसिन जो हैं उनके लिहाज से विलादत का मौका और उनको शहीद उस मौका पर करार देकर वो भी हज़रत उमर रदी तव के खाते में डालते हैं और हज़रत सैदा पर हमला और दरवाज़ा जलाना अब ये सब कुछ इस जवाब नकवी ने किया हुआ है यानी जिस जवाद नकवी के पास रागिब नईमी जाके बोटियाँ खाता है नज़ीर गाजी जाके रुकमे चाटता है रमज़ान सियालवी जाके जिसके पास बैठता है जिस जवाद नकवी बेरे वाले अपने मरकज़ में बुला के उसके हाथ चूमते हैं वो जवाद नकवी हजरत उमर को कह रहा है कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा का दरवाज़ा जलाया और हज़रत वो बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तैन को कह रहा उन्होंने जुल्म किया फ़दक के मसले पर हक़ था सईदा पाक का उन्होंने ना दिया सितम किया और हजरत ऊस्मान गनी रदी अल्लाह तु के बारे में माजल्ला वो इस ऐसे ऐस इफ्तरा घड़ रहा है कि उनके घर में जो माल था वो बैतुलमाल का माल था यानी वो स्मान गनी जिन्होंने इस्लाम के लिए इतने कुछ वक़ किया इतना इस्लाम को दिया इस अंदाज में तबूक की जंग में जयशुल में इस्लाम के लिए और फिर जो मीठे कुएं वकफ़ किए उन पर इल्ज़ाम के वो बैतलम का खा रहे हैं माजल्ला खलीफाए है, सोम के लफज बोल के इस जवाद नकवी ने सब कुछ उनके लिहाज से बयान किया वो तर्ज हुक्मरानी जिसमें बैतलमाल बैतलमाल में होना चाहिए अगर लोगों के घरों में है तो वहां से भी उठा के अमीर उलमिन ने इकतदार संभालते ही सबसे पहले खलीफा के घर में जो कुछ बैतुल माल था वो सारा सबसे शुरू यहां से किया खलीफा सेवम के घर में जितना बैतुल माल था पहले खजाने वाले को बुलाया कि रजिस्टर लो रिकॉर्ड लो कि खलीफा ने बैतुल माल से क्या क्या लिया है या खलीफा के रिश्तेदारों ने घर वालों ने बैतुल माल से क्या क्या हासिल किया तो बकायदा दर्ज था सारा लिखा हुआ था उन्होंने कहा ये ये लिया है उन्होंने कहा वो सारा एक एक करके वापस लो फिर इसी मरकज में इसने वो मजरबरलास की तकरीर करवाई जिसने फिर तोहन की वाज लफ्जों में सिहाबा ला के, के सुन रहे थे तो ये किस चीज की वहादत ये बयान करते हैं ये किस इतिहाद को बताते हैं अब ये क्लिप आप सुन ले उसका मज़र मजहबरलास का दूसरा पहलू यह है कि आखिरी खुद में जिसके बारे में कहा कि इसके पीछे चलो तो मुसलमान तो बकवास करते रहे मब्र रसूल से उस अज़ीम शख्सियत के बारे में और तीसरा पहलू ये है कि जिस रसूल ने एहसान किया पूरी इंसानियत पर अल्लाह ताला का आला दीन उन पर मुकम्मल हुआ तो उन्हीं के घराने को उजाड़ने वाले भी मुसलमान थे यह सब को पता है मैं तारीख़ी हवाले दूँगा फिर बात उलझ जाएगी कि उस वक्त भी मुसलमान माल के पीछे चले जाते थे ओहद में भी माल के पीछे गए थे और फिर उसके बाद भी माल के पीछे गए थे तो ये माल एक तो इनका बड़ा दुश्मन है अगर जो उस इनको शर्म आई उसने अलगा बैठ जाके तौबा तोबा की माफी मांगी वो अलहदा बात है कि वो तोबा बनती है या नहीं लेकिन जब वो भोंक रहा था उस मजमे में ये सारे उसको सुन रहे थे इसने तो उसको नहीं रोका कि असहाबि रसूल के खिलाफ तो ये क्या भोंक रहा है और या ये उठ के तरदीद करता वहाँ पर मैं अपनी कम मिली की वजह से कुछ बातें ऐसी कह गया उस दिन जो बात गजवा युद के हवाले से हुई वो मेरी गलती है मैं जिस बात में कुछ और बातें कर रहा था तो ये एक बात निकल गई उससे मैं जितने भी मेरे मुसलमान भाइयों के दिल दुखी हुए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ वहाँ सारे ये मिलकर इज्तमाही तौर पर सब वो करते हैं सिहाबा के बारे में और फिर इसको वहादत कहते हैं ये कौन सी वहादत है यानी ये तो कुरान मजीद तो कहता है रस्सी पूरी पकड़ो और पकड़ते वक्त वहाँ खड़े होकर पकड़ो जहाँ सारे सब ने पकड़ी है तो सवाद आजम वाला मतलब जमहूर वाला लो और सारी रस्सी पकड़ो तो ये रस्सी को एक एक धागा करके और फिर पकड़ने के लिहाज से कि जैसे पहले उम्मत में पकड़ने का तरीका ही नहीं वो एक नई सूरत हाल बना के एक नया इंतिशार और नया फसाद बरपा करके उसके बाद ये धंधा कर रहे हैं और अजीब ये सूरत हाल है क्या तमाशा है कि जिनके हाथ में मीज़ान है वो मुनाफ़े गिन रहे हैं तोलते कुछ भी नहीं कि मुल्क के जो मुख्तार इदारे हैं वो ऐसे लोगों को छूट दिए हुए हैं और इन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ये इतिहाद ला रहे हैं ये वहादत ला रहे हैं और फिर ये जो फराडिया है जवाद नकवी इसने चंद लोग हैर किए हुए हैं इसी तरह के फराडिए वो सुनियों में से एक दो पैसे पकड़े हुए हैं और फिर दूसरी तरफ से और ये शहर शहर जाकर फिर लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो इधारों को नोट करना चाहिए कि वो मरकज कि जिसमें खिलाफत राशिदा के खिलाफ खलफा राशिदीन के खिलाफ इस हद तक प्रॉपेगंडा किया जाता है इन पर तान करना सिहाबा पर तान करना खुलफा राशिदीन पर तान करना यह पूरे दीन पर तान करना है यह पूरे कुरान पर तान करना है यह तान उस नजरिए पे तान है जिस नजरिए पे पाकिस्तान बना है तो इन लोगों को क्यों खुली छुट्टी दी गई है और ये सारे जो है वो एक मिक्सचर बना हुआ है और हर फिरके के वैसे बातिल फिरका जो भी हो वो बातिल है लेकिन फिर बातिल में से भी कुछ वो है जो गुमराही में दा दरदा है और ऐसे सारे मिल के कोई नई देख पकाते हैं और खाते हैं और इस तरह करके इन्होंने धंधा चला रखा है और नुकसान हक का होता है कि हक उनके खिलाफ ये प्रापोगंड करते हैं अपना धंधा चला रहे हैं अपनी दाल रोटी इनकी चली हुई है और उधर जो दीन मतीन आ, के इजमाई मसाइल हैं इतदियात उनके खिलाफ और फिर मुकदस हस्तियों के ख़िलाफ़ ये रोज़ाना कोई ना कोई नई वारदात करते हैं तो इस बुनियाद पर यह अलवस्का नामी जो एक अड्डा बना हुआ है इसके अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजशी हो रही है हमने ये क्लिप पेश कर दी है मुख्तार इदारों से हमारा ये मुतालबा है कि ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर इस्लाम के खिलाफ इसका पूरा मुहासबा किया जाए और ये लोग वहाँ जाकर जो इकट्ठे बैठ के ये सारे इसका एक पार्टनर हैं इन तोहनों का उनसे पूछा जाए कि अपने घर में ए, वो बैठते हैं तो नामों से सिहाबा नामों से अहिल अल्लाह रजील का दरस देते हैं और ये कि हम मुहाफ़ हैं और जहाँ तोहने होती हैं वहाँ ख़ुद भी करते हैं और जब हो रही होती है उस पर ये इतफाक़ भी करते हैं और वहाँ पूरी तरह अपनी उनकी हाँ में हाँ मिलाते